दोस्तों, कुत्ते ऐसे जानवर हैं जो कैनिडे परिवार से संबंधित हैं। ये कुत्ते लगभग 20,000 वर्षों से हम इंसानों के साथ हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुत्तों और भेड़ियों के पूर्वज एक जैसे ही हैं, लेकिन बढ़ते विकास ने कुत्तों और भेड़ियों को उन्हें अलग अलग तरीकों से विकसित होने के लिए प्रेरित किया है। ये कुत्ते एक ऐसी प्रजाति हैं जिसे सबसे पहले पालतू बनाया गया था। इसके पास एक मजबूत हृदय होता है जो इन्हें तेज गति और सहन शक्ति का समर्थन करने में मदद करता है। इनके पास शिकार करने और उसे फाड़ने के लिए तेज दांत होते हैं। इसके साथ ही इनका शरीर एक शक्तिशाली मांसल होता है जो इन्हें एक स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। और अगर बात करें इनकी प्रजाति की, तो इस दुनिया में इनकी लगभग 500 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन कुत्तों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुत्ते दुनिया में सबसे लोकप्रिय और घरेलू जीव हैं। ये स्तनधारी कई वर्षों से भी अधिक समय से मनुष्यों के साथ एक दोस्त की तरह रह रहे हैं। क्योंकि कुत्तों में गंध और स्वाद की गहरी समझ होती है, इसलिए ये शिकार के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। समय के साथ मनुष्यों ने इन विशेषताओं की अच्छी पहचान की और आवश्यकता और चाहत के आधार पर नई नस्लें बनाई। अगर बात करें इनके आकार और वजन की, तो एक सामान्य कुत्ते का आकार 20 से 30 इंच और उसका वजन 15 से 20 किलोग्राम के आसपास होता है, जो विभिन्न प्रजाति और नस्ल के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। ये कुत्ते गर्म खून वाले होते हैं और ये भी स्तनधारी की श्रेणी में ही आते हैं। इनके शरीर में अन्य स्तनधारी की तरह श्वसन, पाचन, प्रजनन आदि अंग प्रणालियाँ शामिल होती है। इसके अलावा इनके पास एक और चीज़ होती है और वो है त्वचा और छाल, जो इनके शरीर को ढकती है और इन्हें विभिन्न प्रकार के मौसम की परिस्थितियों से बचाती है। इनकी पूंछ आमतौर पर इनकी भावनात्मक स्थिति का वर्णन करती है, यानी इन्हें अपनी पूंछ के माध्यम से अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करने में मदद मिलती है। इन कुत्तों का दिमाग बहुत ही तेज होता है, जो इन्हें जल्द से जल्द चीज़ों को समझने में सक्षम बनाते हैं। और घरेलू कुत्तों के मामले में ये उन्हें अपने मालिक द्वारा जल्द ही प्रशिक्षित होने में मदद करती है। तो चलिए अब हम इनके जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है और इनका ये मिलन कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक चल सकता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा गर्भावस्था में आ जाती है। आपको बता दूं कि मादा के गर्भावस्था का समय 65 दिनों का होता है, जो विभिन्न प्रजाति के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे ही मादा के गर्भावस्था का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये बच्चों को जन्म देना शुरू करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बच्चों को जन्म दे रही है। ये पिल्ले बहुत ही छोटे और प्यारे होते हैं और ये एक बार में 4 से 5 पिल्लों को जन्म दे देती है, जो विभिन्न प्रजाति के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे ही इन पिल्लों का जन्म हो जाता है, तो ये अपने जीवन के शुरुआती हफ्तों के दौरान देख और सुन नहीं सकते और ना ही ये अपने शरीर के तापमान को
नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। ये पिल्ले जीवित रहने के लिए पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर होते हैं। और जब ये 3 से 4 हफ्तों के हो जाते हैं, उसके बाद इनकी संवेदन शक्ति बढ़ जाती है और फिर ये देखने और सुनने लगते हैं। इसके बाद ये धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगते हैं और अपनी माँ का दूध पीना छोड़कर भोजन खाना शुरू करते हैं। लेकिन अपने जन्म के शुरुआती 2 महीनों तक ये अपनी माँ और अपने भाई बहनों के साथ ही रहते हैं, वो भी तब तक जब तक ये नए परिवेश में जीना नहीं सीख जाते, जिसके बाद ये 6 से 15 महीनों तक पिल्ले वाली अवस्था में बने रहते हैं। 2 इस पिल्ले वाली अवस्था के पीछे 2 चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस दुनिया में कुत्तों की 500 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है, तो इन प्रजातियों में से जो प्रजातियाँ छोटी होती है उनके पिल्ले वाली अवस्था 6 माह के भीतर पूरी हो जाती है, और जो बड़ी प्रजातियाँ होती है वो छोटे प्रजातियों की तुलना में पिल्ले वाली अवस्था को पूरा करने में थोड़ा ज़्यादा समय यानी 15 महीनों का समय लगाते हैं। तो जैसे ही ये अपनी प्रजाति के आधार पर किशोरा अवस्था में पहुँच जाते हैं, उसके बाद इस अवस्था में इनके हार्मोन सक्रिय होने लगते हैं, जिससे इनकी शारीरिक और मानसिक व्यवहार में बदलाव आने लगते हैं, और इसी अवस्था में इनके प्रजनन करने की इच्छा भी बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। और अगर आप इन्हें पालतू बनाना चाहते हैं तो इस अवस्था में इसे नपुंसक बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसे प्रशिक्षित और अनुशासित करना बहुत कठिन होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो लावारिस कुत्ते होते हैं वो किशोरा अवस्था में पहुँचते ही प्रजनन करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ने लगता है, और इसी समस्या के कारण कुछ देशों में इनकी नसबंदी भी कराई जाती है ताकि इनकी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। तो जैसे ही ये अपनी प्रजाति के आधार पर 8 महीने या 1 साल के बाद वयस्क अवस्था में पहुंच जाते हैं और इस अवस्था में इन्हें प्रशिक्षित किया जाए तो ये आदेश के अनुसार ही अपना व्यवहार करते हैं। इसके बाद इन्हें समय बिताना और बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है, और इनका यौन व्यवहार भी नियंत्रित रहता है, यानी ये शारीरिक रूप से पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं। दोस्तों, ये उन कुत्तों की बातें थी जो पालतू हैं और अपने मालिकों के साथ रहते हैं। और जब एक लावारिस कुत्ता वयस्क अवस्था में पहुंचता है तो वो भी शारीरिक रूप से पूरी तरह से सक्रिय होता है, लेकिन वो अपना मनचाहा काम करता है जिस पर किसी का भी कोई भी नियंत्रण नहीं होता, और इनकी यौन इच्छाएं भी दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और अगर इन्हें अपना साथी मिल जाए तो ये लगातार बढ़ते समय के साथ अपने परिवार का विस्तार करते जाते हैं। तो जैसे ही ये 6 से 8 वर्ष के हो जाते हैं, उसके बाद ये वरिष्ठ अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसमें ये दौड़ते समय जल्दी थक जाते हैं और ज़्यादातर सोते हुए ही पाए जाते हैं, और इनमें दांतों की समस्याएं भी देखी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जिससे इनमें आने वाले बुढ़ापे का पता चलता है। दोस्तों, ये वरिष्ठ अवस्था पालतू और लावारिस दोनों में एक समान होती है, चाहे फिर वो किसी भी प्रजाति का हो, और बढ़ते समय के साथ ये अपने स्वास्थ्य के हिसाब से अपना खाना पीना जारी रखता है और अपनी शारीरिक क्रियाएं करता रहता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की तो इन कुत्तों का जीवन काल 10 से 15 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजाति के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर इन्हें अच्छा पोषण और आहार मिले तो इस आधार पर ये 20 साल से भी ज़्यादा समय तक जीवित रहने में सक्षम होते हैं,
और वो भी तब जब इन्हें कोई गंभीर बीमारी ना हो। लेकिन ऐसा ना के बराबर होता है, क्योंकि जो लावारिस कुत्ते होते हैं वो ज़्यादातर अपने जीवन काल का समय पूरा होने से पहले ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों के चलते मारे जाते हैं, जिसे आप सभी ने कभी ना कभी अपने आसपास देखा और महसूस किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।